हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो पर। तो फ्रेंड, कुछ महीने हो चुके थे मैं वीडियो अपलोडिंग नहीं कर पा रहा था क्योंकि शादी के काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी था। और अभी मेरे को कुछ टाइम मिला है ऐसे घूमने के लिए। मैं पड़ोस के गाँव पर आया था जहाँ पर एक नाला है जो काफ़ी लंबा है और यहाँ पर एक कुछ कुछ जगह पर पानी है जहाँ पर बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलते हैं, ऐसे यहाँ गाँव वाले लोगों का कहना है। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितनी बड़ी यहाँ पर मछली आपको देखने के लिए मिलेगी। छोटा सा वीडियो है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अपने प्यारे हाथों से हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए फ्रेंड, दिखाते हैं ये लोग मछली पकड़ने का तरीका। और देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं है, इस पानी में ये लोग अभी मछलियों का शिकार करेंगे। दिखाते हैं आपको यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ आपको देखने के लिए मिलेगी। सो फ्रेंड, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर बड़ी बड़ी मछलियाँ देखने के लिए मिलेगा। दिख रहा है ये छोटा सा, मगर है यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मछली। और ये लोग कैसे मारते हैं दिखाते हैं आपको। एक छोटा सा नाला है यहाँ पर, ये लोग जाल लाए हुए हैं। अभी कुछ देर के बाद ये लोग जाल बिछाएंगे और ये बोरी में है जाल, उसको कुछ देर के बाद यहाँ पर बिछाएंगे। चलिए आपको और आगे दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या करेंगे ये लोग। तो फाइनली ये लोग पानी में घुसे हैं, अभी देख सकते हैं कुछ डंडा वगैरह लेके जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर जाल बिछाना चालू हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये पानी इस तरफ से उस तरफ ज़्यादा पानी है, इसलिए इसको ठीक से बांधा जा रहा है। जैसे ही ये काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर ये लोग जाल बिछाएंगे। आप हमारी वीडियो पर ऐसे ही शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी अच्छा आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगा मछली बड़ी बड़ी वाली। और देख सकते हैं भाई लोग यहाँ पर जाल बिछा रहे हैं। इस काम को काफ़ी ज़्यादा सावधानी से करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे बिल रहते हैं, उसमें भी मछलियाँ रहती है और साथ ही साथ सांप भी निकल जाता है कभी कभी, हाथ में पकड़ लेते हैं ये लोग। और काफ़ी ज़्यादा डेंजर चीज़ का यहाँ पर सामना करना पड़ जाता है इन लोगों का। तो चलिए फ्रेंड, आप मेरी वीडियो पर ऐसे ही बने रहिए, काफ़ी अच्छा आपको ये वीडियो पसंद आएगा। क्योंकि मेरे पास कुछ वीडियो नहीं था, मैं इधर उधर नहीं जा रहा था वीडियो बनाने के लिए, तो मैं सोचा छोटा सा ही गांव आया हुआ हूँ जहाँ पर ये मछुआरे लोग मछली मार रहे हैं, तो मैं सोचा छोटा सा वीडियो क्लिप बना लूँ। क्योंकि अभी मैं इधर उधर नहीं जा रहा हूँ काम की वजह से, बहुत ही ज़्यादा अभी मेरा काम है इसीलिए। तो फ्रेंड, इस तरफ मेरी नई नई वीडियो आनी चालू हो जाएगी, तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं जाली अभी फैलाया जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पत्थर भी है नाले के अंदर में, तो थोड़ा दिक्कत तो अभी सामना करना पड़ेगा इन लोगों को। उसके बाद जब मछलियाँ निकलेगी तो काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा। देखते हैं कितना सारा यहाँ पर मछली निकलेगा, उसको आप एंड तक बनी रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। और ये पानी काफ़ी दूर से आता है, हमारे तरफ ऐसा मछली देखने के लिए नहीं मिलता है जिस जो मछली इस तरफ देखने के लिए मिलता है फ्रेंड। और हमारे तरफ तो छोटी छोटी मछलियाँ मिलती हैं, मगर इस तरफ काफ़ी बड़ा बड़ा मछलियाँ मिलता है। ये भी नाले में, हमारे तरफ भी नाला है मगर काफ़ी छोटा मिलता है। चलिए देखते हैं इस जगह पर कितनी बड़ी मछली देखने के लिए आपको मिलेगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं जाल को अब एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है, उसके बाद फिर निकलेगा मछली। तो दोनों तरफ को ठीक से पकड़ना रहता है, नहीं तो मछली भागने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और मछली जाल में नहीं आ पाती है। जो बड़ी मछली रहती है वो लोग ऊपर से छलांग लगा के भाग जाते हैं। तो अभी मछली छोटी छोटी मछली है जो जंप कर रहे हैं अभी इस तरफ से उस तरफ। पानी में जो लोग घुसे हुए हैं तो देख सकते हैं पानी ज़्यादा गहरा भी नहीं है, वही कुछ पैर के जस्ट ऊपर तक है। अब इसको इकट्ठा किया जा रहा है, देखते हैं। आप ऐसे ही हमारी वीडियो पर बने रहिए। तो फ्रेंड देख सकते हैं काफ़ी नज़दीक अब ला चुके हैं जाल को खींचते खींचते। अब देखते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी मछली हमको देखने के लिए मिलेगा, आप थोड़ा सब्र कीजिए। खुद मरल कान जी।
रेतीला खदमा ल करे दिखा ले रेतीला चल उठा उठा चल अच्छा हाथ में चल तो कौन उठा नहीं पासिया है सत्यार की टीम वेंट बढ़िया नहीं लगा उसका ये गलत जगह आ गए तो फ्रेंड देख सकते हैं अब इकट्ठा कर लिए हैं। दिखाते हैं आपको यहाँ पर कितनी बड़ी मछली हमको देखने के लिए मिलेगी। मछली बनावे अलग कहत लेकिन हो जाते फोन ठंडा हो जाए इन्हें मैं लगते हैं नीचे तान नहीं होता है जाने ठंडा हो जाए नोनी से अब हाथ नीचे रख रमन बने रमन एक दिन पक्का था डर रमन बने रमन एक दिन पक्का था डर मछली बनावे अलग कहत लेकिन हो जाते फोन ठंडा हो जाए इन्हें मैं लगते हैं नीचे तान नहीं होता है जाने ठंडा हो जाए नोनी से अब नीचे लग पल्ला पल्ला